मैं हूं अदीबा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। बैंक ऑफ कनाडा का एक साल में पहली बार अपनी कलीदी शरह सूद को मुस्तहकम रखने का फैसला। बैंक ऑफ कनाडा की पॉलिसी अमेरिका फेडरल रिजर्व से हटना शुरू। बैंक ऑफ कनाडा अपनी अगली सूद की शरह का फैसला 12 अप्रैल को करेगा। कनाडा में टोरंटो की इंजीनियरिंग कंपनी साइबर हमले का शिकार। कंपनी अस्करी और तवानाई के इदारों के लिए काम करती है। कंपनी ने साइबर हमले पर अवामी तौर पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। कनाडा के शहर टोरंटो में मालिकान की मर्जी के बगैर जायदादें फरोख्त होने लगीं। 30 के करीब खानदान नौसरबाजों का शिकार बन गए। मुतालका फर्म्स धोखे की बाजी के वाकयात की तहकीकात में मसरूफ। रूस यूक्रेन जंग में अहम पेशरफ। रूस का यूक्रेन के अहम हिस्सों पर कंट्रोल का दावा। यूक्रेन के दो शहरों पर रूसी मिसाइल हमले, अहम तनसीबात और इमारतें निशाने पर। यूएई का यूक्रेन को 40 लाख डॉलर की इमदाद का ऐलान। अफगान सूबे बल्ख के गवर्नर खुदकश धमाके में जां बहक। बल्ख पुलिस कमांडर की जानिब से सूबाई हेडक्वार्टर्स के करीब धमाके की तस्दीक। दाऊद मुजम्मिल तालिबान के आला तरीन अहदेदारों में से एक हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lighto Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. बैंक ऑफ कनाडा एक साल में पहली बार अपनी कलीदी शरह सूद को मुस्तहकम रखे हुए है और अपने वेट एंड सी के नुक्ता नज़र पर कायम है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बैंक ऑफ कनाडा एक साल में पहली बार अपनी कलीदी शरह सूद को मुस्तहकम रखे हुए है और अपने वेट एंड सी के नुक्ता नज़र पर कायम है, यहाँ तक कि उसके अमरीकी हम मनसब ने ज़्यादा जारहाना रास्ता इख्तियार किया है। बैंक ऑफ कनाडा की पॉलिसी अमरीकी फेडरल रिजर्व से हटना शुरू कर रही है, जिसने हाल ही में ये इशारा दिया है कि वो शरह सूद में इजाफा जारी रखने का इरादा रखता है। मरकजी बैंक ने कहा है कि उसने हालिया मौशी आदाद शुमार के जायजे की बुनियाद पर अपनी कुलीदी शरह को 4.5% पर रखने का फैसला किया है। बैंक ऑफ कनाडा ने कहा कि गवर्निंग काउंसिल इकतसादी पेशरफ और माजी की शरह सूद में इजाफे के असरात का जायजा लेना जारी रखेगी और अगर जरूरत पड़ी तो 2% अफराते जर के हदफ पर वापस आने के लिए पॉलिसी की शरह में मजीद इजाफा करने के लिए तैयार है। मरकजी बैंक ने गुज़िश्ता साल के दौरान अपनी कलीदी शरह सूद में तेजी से इजाफा किया, इसे 2007 के बाद से सिफर के करीब से बुलंद तरीन सतह पर ले आया। माहिरीन इक्तिसादियात बड़े पैमाने पर तवक्को कर रहे थे कि बैंक ऑफ कनाडा अपनी कलीदी शरह सूद को बरकरार रखेगा, ये नोट करते हुए कि शरहों में दोबारा इजाफा करना बहुत जल्द होगा। मरकजी बैंक के लिए मईशत भी आम तौर पर दुरुस्त सिंफ में चली गई है, जिसका मकसद इक्तिसादी सरगर्मी को सुस्त करना है। माहिरीन का कहना है कि अमरीकी मालियाती पॉलिसी के कनाडा के लिए मजमरात हैं। अमरीका में आला शरह सूद वहाँ सरमायाकारी को रागब कर सकती है, कैनेडियन डॉलर को कमजोर कर सकता है और कनाडा के लिए दरामदात की कीमतों में इजाफा कर सकता है। अगर अमरीकी मईशत वाकई ज्यादा बुनियादी ताकत और ज्यादा अफराते जर के दबाव का मुजाहरा कर रही है तो उसके असरात कनाडा पर भी पड़ सकते हैं। बैंक ऑफ कनाडा अपनी अगली सूद की शरह का फैसला 12 अप्रैल को करेगा। इसके साथ अपनी सैमाही मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट में ताज़ा तरीन पेशन गोयाँ भी होंगी। आलमी सतह पर बैंक ऑफ कनाडा का कहना है कि इकतसादी पेशरफ उसकी पेशन गोयों के मुताबिक वसी पैमाने पर तैयार हुई है, ताहम उसने कहा कि चीन की इकतसादी बहाली में मजबूती और यूक्रेन में रूस की जंग के असरात अब भी खतरात हैं जो अफराते जर को बढ़ा सकते हैं। कनाडा की एक इंजीनियरिंग कंपनी जिसके काम में मुल्क भर में अहम फौजी, बिजली और नकलो हमल का बुनियादी ढांचा शामिल है, साइबर हमले का शिकार हो गई।
इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा की एक इंजीनियरिंग कंपनी जिसके काम में मुल्क भर में अहम फौजी बिजली और नकलो हमल का बुनियादी ढांचा शामिल है, साइबर हमले का शिकार हो गई है। टोरंटो बेस्ड कंपनी ने अब तक साइबर हमले पर आवामी तौर पर तबसरा करने से इनकार किया है, जबकि महकमा कौमी दिफा और कंपनी के दीगर क्लाइंट्स ने किसी भी असर या नुकसान को कम नहीं किया है। कंपनी के तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने ओंटेरियो पावर जनरेशन को मुत्तला किया कि उन्होंने रैनसम वेयर हमले का तजर्बा किया है, जिसका ओंटेरियो पावर जनरेशन के ऑपरेशंस और मालूमात से कोई ताल्लुक नहीं था। माहिरीन इसके बावजूद फिक्रमंद हैं। उनका कहना है कि ब्लैक एंड मैकडॉनल्ड पर हमला कनाडा की कौमी सलामती और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कनाडा की सबसे बड़ी बिग स्टोर चेन इंडिगो बॉक्स एंड म्यूजिक इनकॉर्पोरेशन पर हमले से कहीं ज्यादा खतरा है। महकमा कौमी दिफा की तर्जुमान जेसिका लामिरांदे ने एक बयान में कहा कि इसकी इत्तला सबसे पहले डिफेंस कंस्ट्रक्शन कनाडा को दी गई थी, जो मुल्क भर में फौजी अड्डों की मदद और देखभाल के लिए बैरूनी कंपनियों के साथ मुहैदे करती है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही उसने साइबर हमले का शिकार से आने वाली तमाम ईमेल्स को बहुत ज़्यादा एहतियात की बिना पर ब्लॉक कर दिया और फ़ोन या ज़ाती तौर पर कारोबार किया। उन्होंने कहा, एक बार ठेकेदार ने अपना ईमेल सिस्टम बहाल किया और डिफेंस कंस्ट्रक्शन कनाडा को मुत्तला किया, ईमेल मवासलात दोबारा शुरू हो गए। ब्लैक एंड मैकडॉनल्ड और उसके ज़ेरी इदारे कैनेडियन बेस्ड ऑपरेटर्स के पास कैनेडियन फौजी अड्डों की हिमायत के लिए महकमा दिफा के साथ कई मिलियन डॉलर के मुहैदे हैं, जिनमें से एक 2020 में दस्तखत किया गया था और उसकी मालियत 10 सालों में 157 मिलियन डॉलर है। कनाडा के शहर टोरंटो में मालिकान की मर्जी के बगैर जायदादें फरोख्त होने लगीं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में मालिकान की मर्जी के बगैर जायदादें फरोख्त होने लगीं। मुट्ठी भर मुनज़्ज़म जराइम के गिरोह इन रियल इस्टेट फ्रॉड्स के पीछे हैं, जिनमें ग्रेटर टोरंटो एरिया में कम अज़ कम 30 मकानात असली मालिकान के इल्म के बगैर फरोख्त किए गए या गिरवी रखे गए हैं। ये इंकशाफात एक निजी तहकीकाती फर्म की तरफ से सामने आए हैं, जो टाइटल इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम कर रही है, ताकि धोखाधही की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा सके, जिनके दावों में बीमा कुनंदगान को लाखों का नुकसान हो रहा है। एक एडवाइजरी ग्रुप का कहना है कि फर्म फिलहाल GTA में 4 टाइटल ट्रांसफर फ्रॉड्स की तहकीकात कर रही है, जहाँ प्रॉपर्टी की फरोख्त पर नकद रकम हासिल करने के लिए शनाख्ती चोरी का इस्तेमाल करते हुए घर की मिल्कियत चोरी की गई थी, और कम अज़ कम मजीद 26 रहन के फ्रॉड, जहां रहन की नकद कीमत हासिल करने के लिए मालिक की रजामंदी के बगैर किसी घर पर रहन रजिस्टर किया गया है, और ऐसा 30 के करीब खानदानों के साथ हो चुका है। मीडिया की जानिब से टोरंटो पुलिस से कई बार तबसरे के लिए राबता किया, लेकिन कोई भी इसके टाइटल फ्रॉड केसेस पर बात करने के लिए दस्तयाब नहीं था। माहरीन का कहना है कि ये केसेस पुलिस के लिए एक चैलेंज बनते हैं, क्योंकि मुनज़्ज़म जराइम के गिरोह एक साथ मुतादिद दायरा इख्तियार में चलते फिरते कई जायदादें रख सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि इससे कबल इस नौयत की वारदातें पहले कभी नहीं देखी गईं। रूस यूक्रेन जंग में अहम पेशरफ सामने आ गई है। रूस ने दावा किया है कि इसने यूक्रेन के अहम शहर बखमुत के तमाम मशरकी हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन जंग में अहम पेशरफ सामने आ गई है। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के अहम शहर बाखमुत के तमाम मशरकी हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने यूक्रेन जंग से मुतासिर बच्चों के लिए 40 लाख डॉलर्स इमदाद देने का ऐलान किया है। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि बाखमुत पर कब्जे से यूक्रेन के अंदर मजीद मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में कार्रवाइयां कर सकेंगे। उधर रूसी फौज ने मारे जाने वाले यूक्रेनी फौजियों के ताबूतों को की भेजने की वीडियो शेयर कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के वैगनर ग्रुप के मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर के सरबराह ने बुध को दावा किया है कि उनके जंगजुओं ने बाखमुत के तमाम मशरकी हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जबकि नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन का बाकी शहर अगले चंद दिनों में हमला आवर फौज के कब्जे में जा सकता है। यूक्रेनी आर्मी चीफ ने कहा है कि रूसी फौज ने शहर के शुमाली हिस्से में भी 30 हमले किए, जिनको नाकाम बना दिया गया है। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने ताज़ा हमलों में मशरकी खारकीव और जुनूबी ओडिशा को निशाना बनाया है। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर की अहलिया ओलिना ज़ेलेंस्का ने अबू ज़हबी में UAE की सदर से मुलाकात करके यूक्रेनी जंग से मुतासिर होने वाले बच्चों की सूरत हाल से आगाह किया। अमाराती सदर ने यूक्रेनी जंग के मुतासिर बच्चों की निगहदाश्त और उनके लिए रिलीफ इकदामात के तौर पर 40 लाख डॉलर्स की रकम अतिया करने का ऐलान किया, जिससे यतीम बच्चों के लिए इमारतें तामीर की जाएंगी। यूक्रेन के सदर की अहलिया ओलिना ज़ेलेंस्का ने अबू ज़हबी में UAE की सदर से मुलाकात करके यूक्रेनी जंग से मुतासिर होने वाले बच्चों की सूरत हाल से आगाह किया।
UAE के सदर ने बहरान से मुतासिरा की बहाली के लिए उठाए गए इकदामात और कोशिशों में हिस्सा मिलाने के अजम का आदा भी किया। दूसरी जानिब नेटो के सेक्रेटरी जनरल जींस स्टोल्टनबर्ग ने खबरदार किया कि रूसी फौज मशरकी यूक्रेन के शहर बाखमूत पर आने वाले दिनों में कब्जा कर सकती है। अफगानिस्तान के सूबे बल्ख के तालिबान गवर्नर मोहम्मद दाऊद मुजम्मिल अपने दफ्तर में होने वाले धमाके में जान बहक हो गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान के सूबा बल्ख के तालिबान गवर्नर मोहम्मद दाऊद मुजम्मिल अपने दफ्तर में होने वाले धमाके में जाबहक हो गए। अफगान मीडिया का कहना है कि बल्ख पुलिस कमांड की जानिब से सूबाई हेडक्वार्टर्स के करीब धमाके की तस्दीक की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि बल्ख के गवर्नर मोहम्मद दाऊद मुजम्मिल समेत दो अफराद आज सुबह एक धमाके में मारे गए हैं। बल्ख पुलिस कमांड के तर्जुमान मोहम्मद आसिफ वजीरी ने बताया कि धमाका एक इंतजामी इजलास के दौरान हुआ। अभी तक किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। पुलिस कमांडर ने एक बयान में कहा कि सूबाई इमारत में गवर्नर के दफ्तर के करीब दूसरी मंजिल पर एक हमला आवर ने खुदकुश जैकेट से हमला किया। दाऊद मुजम्मिल अगस्त 2021 में तालिबान के दोबारा इक्तदार में आने के बाद की सूरत हाल में मारे जाने वाले तालिबान के आला तरीन अहदेदारों में से एक है। उन्हें इब्तदाई तौर पर मशरकी सूबे नंगरहार का गवर्नर मुकर्रर किया गया था, जहां उन्होंने दाइश के खिलाफ लड़ाई की क़यादत की थी। बाद अज़ा गुज़िश्ता बरस उन्हें सूबा बल्ख का गवर्नर बनाया गया था। ख्याल रहे कि तालिबान के दौरे इक्तदार में आने के बाद से दाइश ने अफगानिस्तान में कई बड़े हमले किए हैं, जिसमें आम शहरियों समेत तालिबान रहनुमाओं को भी निशाना बनाया गया है। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान अदीबा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।